यूपी के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट। यूपी में पड़ेगी भीषण गर्मी, इस हफ्ते बदलेगा मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश में जो है मौसम सामान्य है, यहाँ पर ज़्यादा ठंड भी नहीं है और ज़्यादा गर्मी भी यहाँ पर नहीं है। वही मौसम फिलहाल खुशनुमा बना हुआ है। हालांकि आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव हो सकता है, सूरज की तपिश पड़ने से तापमान बढ़ रहा है, ऐसे में आने वाले दिनों में भीषण गर्मी पड़ने वाली है। मौसम विभाग ने इस हफ्ते जो है मौसम का ताज़ा पूर्वानुमान जारी किया है। वही यूपी में सुबह और शाम के वक्त चल रही ठंडी हवाओं की वजह से मौसम में हल्की ठंड जो है वो घुली हुई है। राज्य के अंदर दोपहर के समय जो है तेज धूप निकल रही है और रात होते ही जो है मौसम में तब्दीली आ जाती है। वही मौसम में बदलाव होने जाने की वजह से सर्दी और जुकाम और खांसी की बीमारियों में तेजी से यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वही बड़ी संख्या में लोग जो है इस वक्त सर्दी जुकाम का शिकार हो रहे हैं। वही मौसम विभाग के मुताबिक सत्य जो है यूपी मौसम साफ रहने वाला है। आने वाले सप्ते तक बारिश का कोई भी चेतावनी नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में धूप खिलेगी और तापमान में जो है बढ़ोतरी से गर्मी जो है बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 15 तारीख तक गर्मी अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। मार्च के अंत तक जो है तेज गर्मी पड़ने के आसार जताए गए हैं। यहाँ ज्यादातर इलाकों में तेज गर्मी पड़ने के आसार है। वह कल जो है उत्तर प्रदेश में मौसम सामान्य रहा। इस दौरान हरदोई में न्यूनतम तापमान जो है 13.5 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। वह अधिकतम 28 के आसपास रहा। कानपुर में न्यूनतम तापमान जो है वो 14 और अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वही वाराणसी में न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री, अधिकतम 33.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वही बहराइच की बात करें तो बहराइच में न्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम 29 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। यानी आगामी दिनों में जो है तापमान में उतराव चढ़ाव की स्थिति जो है वो देखने को मिलेगी। ज्यादातर इलाकों में जो है तापमान में जो है उत्तर प्रदेश में जो है उतराव चढ़ाव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में जरूर मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। वही इन दिनों जो है तापमान में जो यहाँ पर तापमान जो है यूपी के ज्यादातर इलाकों में रात का तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। वही कल जो है राजधानी में तापमान में उतराव चढ़ाव की स्थिति मिली है। मौसम वैज्ञानिक एस के पांडे के अनुसार अगले हफ्ते से यहाँ पर अगले हफ्ते बारिश का अनुमान नहीं है। हालांकि आसमान में बादल जो है ज्यादातर इलाकों में छाए रह सकते हैं। ज्यादातर इलाकों में जो है चटक धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। तो यूपी में जो है फिलहाल मौसम में बदलाव की स्थिति जो है वो जारी है। अभी तापमान आगामी दिनों में बढ़ेगा, कई इलाकों में जो है तापमान में बढ़ोतरी के आसार जताए गए हैं। फिलहाल जो है मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर जो है ज़्यादा संभावना यूपी में यहाँ पर नहीं जताई गई है। नए पश्चिम विक्षोभ की वजह से कुछ इलाकों में बादल वगैरह छाए रह सकते हैं। दो पश्चिम विक्षोभ की दस्तक जो है अभी हिमालय में होने वाली है। एक पश्चिम विक्षोभ की एंट्री हो चुकी है और दूसरा आने वाला है। इसके असर से यूपी में जो है इसका असर कुछ इलाकों में देखने को मिल सकता है। वही पश्चिमी यूपी में जो है पश्चिमी विक्षोभ के असर से पश्चिमी यूपी में कुछ इलाकों में इसके मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। वही प्रदेश के अंदर जो है अभी जो है 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की बात कही गई है। यानी पश्चिम विक्षोभ के कारण मौसम बदलेगा, उसके कारण तेज हवाएं जो है उसमें तेज हवाओं की बात यहां पर कही गई है। नोएडा गाजियाबाद में तेज हवाएं चलने की संभावना है। आगरा अयोध्या बरेली हरदोई गोरखपुर कानपुर में जो है दो दिन तक कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने के आसार है।